हिमाचल प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष बनने के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेश भर में जगह जगह स्वागत किया जा रहा है और उनके पोस्टर लगाए गए हैं। सुक्खू के स्वागत समारोह के लिए पार्टी मुख्यालय में लगे पोस्टरों से वीरभद्र सिंह की फोटो गायब दिखी। इन पोस्टरों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाडा, राजीव शुक्ला, आनंद शर्मा, संजय दत्त, तेजेंद्र पाल सिंह बिट्टू, प्रतिभा सिंह व मुकेश अग्निहोत्री सहित सुक्खू की फोटो दिखी थी। यह पोस्टर खासी चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा जो पोस्टर बनाए गए हैं उसमें वीरभद्र सिंह की फोटो भी लगाई गई है। इसको लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह लोगों के दिल में समाये हुए हैं। पोस्टर जीवंत आदमियों की लगती है। वीरभद्र सिंह के अक्ष के रूप में उनके बेटे व विधायक विक्रमादित्य सिंह हमारे साथ मंच पर बैठे हुए हैं। सुक्खू ने कहा कि हर चीज को राजनीतिक तरीके से जोड़ने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है। ग्रुप पॉलिटिक्स का समय अब खत्म हो चुका है। बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू वीरभद्र सिंह के विरोधी माने जाते थे और अध्यक्ष रहते हुए भी सुखविंदर सिंह सुक्खू और वीरभद्र सिंह एक दूसरे पर बयानबाजी करने से गुरेज नहीं करते थे। वीरभद्र सिंह जब लोगों के दिल में समाये होते हैं पोस्टरों में नहीं है, और जीवंत आदमी का पोस्टर लगता है जीवन में उनकी पूजा किया। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि इस हर मुद्दे को आप राजनीतिक तरीके से मत जोड़िए। वीरभद्र जी के बेटे अक्ष के रूप में उनके हमारे सामने बैठे हैं और हम सब कांग्रेस पार्टी एकजुटता से आगे कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ हैं, जो कार्यक्रम है, वो आपके सामने लाएगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।